दोस्तों, कल से ही YouTube पर युवाओं को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। YouTube पर जितने भी टीचर्स हैं, सारे के सारे टीचर्स मिल करके, संगठित होकर के, एक यूनियन बना करके अपने स्टूडेंट को लेकर के सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर इतना समय हो गया, काफ़ी वैकेंसीज आई, लेकिन उनका रिजल्ट किसी का नहीं आउट हो रहा है, तो किसी की परीक्षा नहीं हो रही है, किसी का रिजल्ट भी आउट हो गया है तो ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। आखिर हो क्या रहा है? ये वर्तमान सरकार जो है, ये हम युवाओं को, हम पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित वर्ग को अपाहिज बनाने पर क्यों तुली है? इस पर हर स्टूडेंट को सवाल पूछना होगा। अगर हम लोग चुप रह गए तो जान लीजिए कि ये सरकार हम लोगों को अपाहिज बनाकर घर पर बैठा देगी और कोई भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए युवाओं को जागना होगा और जाग करके सवाल सरकार से पूछना होगा। एक यूनियन बनाइए, यूट्यूब पर जाएंगे आप बहुत सारे टीचरों के द्वारा इस वक्तव्य को पाएंगे कि आपके हित में, स्टूडेंट के हित में सरकार से सवाल पूछने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों, वर्तमान सरकार ने क्या किया है? वर्तमान सरकार ने हम लोगों के रोज़गार को ख़त्म किया है। 200 ट्रेन को वो प्राइवेट कर देती है, बेच देती है। अब बताइए, 200 ट्रेन अगर बिक जाएगी तो हमारे रोज़गार भाई कहाँ जाएंगे? लगभग मान कर चलिए 200 ट्रेन अगर बिकती है तो 2,00,000 लोग बेरोज़गार होते हैं। हमारी मीडिया भी बिक चुकी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, इन सब की खबर ले रहे हैं, लेकिन आपके पास पड़ोस में जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनकी खबर नहीं ले रहे हैं। आज तक क्या कभी किसी न्यूज़ चैनल ने किसी बेरोज़गार युवा के बारे में सवाल उठाकर सरकार से प्रश्न पूछा है? तो अब विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, मीडिया भी नहीं बोल रही है, तो ऐसे में हम युवाओं को संगठित होकर के, हम स्टूडेंट और टीचर को संगठित होकर के सवाल सरकार से पूछना होगा। अगर अब हम चुप रहेंगे तो हमको अपाहिज बना करके घर पर बैठा दिया जाएगा और किसी काम के नहीं होंगे। हम तो होंगे ही नहीं किसी काम के, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी किसी काम की नहीं होंगी। इसलिए सबको जागना होगा और जाग करके एक सुर में, एक लय में और सभी देशवासियों के, नवयुवकों के साथ मिल करके सरकार से सवाल पूछना होगा। सरकार को हिलाना होगा। वो जो बहरी सरकार है, बहरी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, उस सरकार के कान तक इस आवाज़ को ले जाना होगा। अतः सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी हो सके उतना इस बात को शेयर करें। और YouTube चैनल हैं जहां पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, है ना, बहुत अधिक मात्रा में वहां पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वहां पर जा करके उन लोगों से संगठित हो करके आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। मेरे द्वारा जो भी सहयोग बन पड़ेगा, मैं सहयोग अपने स्टूडेंट का करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, जेई का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम सरकार कराने जा रही है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम कब कराएगी? आप जानते हैं जेई और नीट का एग्ज़ाम क्या होता है? इसमें आपके जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके बच्चे होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार है उसके फैमिली से ये लोग वैकेंसीज वहाँ पर फॉर्म भरते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े डोनेशन से चलते हैं। हम गरीबों के यहाँ इतना बड़ा डोनेशन नहीं होता है कि हम उतना रुपया घूस दे करके उस वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो जेई और नीट का एग्ज़ाम करवाने जा रही है वो सरकार अपने लिए करवाने जा रही है, हम गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है। हमारे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, वैसे ही तुम्हारा NTPC है, SSC है, इन सभी चीज़ों का एग्ज़ाम सरकार आखिर कब करवाएगी? क्या कोरोना काल में नीट का और जेई का एग्ज़ाम कराना उचित है और हम लोगों के एग्ज़ाम कराना नहीं उचित है? तो जागिए, जाग करके आप जब तक एक सुर, एक यूनियन नहीं बनाएंगे तब तक सरकार को आप हिला नहीं पाएंगे। इसलिए सभी युवाओं को, सभी बेरोज़गार भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि आप लोग संगठित होकर के सरकार से एक बार इस चीज़ के लिए सवाल जरूर पूछिए। और ये मुहिम चलाई जा चुकी है यूट्यूब पर, ये मुहिम चलाई जा चुकी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हर स्टूडेंट को अपना अपना सहयोग देना होगा। हाल है, हमारी सरकार जो है वो रोज़गार पर बात कभी नहीं करती है। क्यों करेगी रोज़गार पर बात? सरकार हमारी रोज़गार देना ही नहीं चाहती है, हमको बेरोज़गार बनाकर घर पर बैठाना चाहती है। रोज़गार हमारा अधिकार होता है,
हमने सरकार बनाया है, हम देश में रहते हैं तो रोजगार पाना हमारा अधिकार है, और इस रोजगार को ना पाने की वजह से कितने युवा डिप्रेशन में चलते जा रहे हैं, है ना। लाखों युवा आपके डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है गवर्नमेंट को। लेकिन एक सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, इन दोनों को लेकर के टीवी चैनल पर देखिए कितनी घमासान मची हुई है। एक सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के इतना घमासान मचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लाखों युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो लाखों में से कम 50,000 युवा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। इसकी चिंता नहीं है इस गवर्नमेंट को। लेकिन एक सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, इन दोनों को लेकर के बात करने का समय है। सबसे बड़ा दोस्त हमारे इस देश में मीडिया का है। मीडिया हमारे देश के लिए कैंसर बन चुका है। मीडिया कभी भी गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछता है रोज़गार को लेकर के। मीडिया कभी भी गवर्नमेंट से ये सवाल नहीं पूछता है कि आपने देश हित में कितना किया और देश अनहित में कितना किया। मीडिया कभी ये नहीं पूछता है कि आपने जो पैसा खर्च किया वो पैसा देश हित में है या देश के हित में नहीं है। इन सभी चीज़ों को लेकर के मीडिया सवाल नहीं पूछता है। लेकिन मीडिया को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर के बात करना है। को बताइए, उनको अपनी पावर का एहसास कराइए। यहाँ पर एक हैशटैग लिखा हुआ है, इस हैशटैग को जहाँ भी कहीं भी, चाहे आप फेसबुक पर हों, चाहे आप व्हाट्सएप पर हों, चाहे आप यूट्यूब पर हों, जहाँ भी आप कमेंट करना चाहते हैं इस हैशटैग को लगाइए, हैज स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, हैज स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट। दोस्तों, ये जो डिबेट शुरू हुआ है, ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये रुकनी नहीं चाहिए, ये आगे भी बढ़नी चाहिए। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही।